शांति। आज 21 तारीख की वाणी का अभ्यास करते हुए बाबा से कनेक्टेड रहे, बाबा की वाणी द्वारा शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करेंगे। आव्यक्त वतन में आप दादा के सम्मुख स्वयं को अनुभव करते। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो। बाबा कहते बच्चे अपने डायरी रखो तो अटेंशन रहेगा, डर रहेगा कि घाटा ना पड़ जाए। बाबा कहते भाग्यशाली बच्चों को टच होता है मुरली द्वारा याद की युक्तियाँ। बाबा कहते भाग्यशाली बच्चे याद की युक्तियाँ फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते बच्चे एकांत में बगीचे में जाकर बैठ अपने बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो, पुरुषार्थ करो तो उन्नति होती रहेगी। बाबा कहते अटेंशन प्लीज। बाबा कहते हैं मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। बेहद का बाबा शिव भी अपने रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय कर बाप की याद में रहो। बाबा कहते आप बच्चों को बेहद के बाबा ने समझाया है, यह ईश्वरीय ज्ञान गीता ज्ञान इस समय बाबा ही दे सकते, भगवान बाप ही पढ़ाते हैं। बाबा कहते पहले ये निश्चय करो कि कौन पढ़ाते हैं। भगवान बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाबा कहते याद की यात्रा में रहे, अतिंद्रिय सुख में रहना है, आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है। एक ही बार आकर वर्षा देते हैं विश्व की बादशाही का। तो बाबा पूछते बच्चे पक्का निश्चय हुआ, बेहद का बाबा निराकार त्रिमूर्ति गीता ज्ञान दाता शिव बाबा आया है फिर से सहज राजयोग सिखाने। बच्चों को कोई सिखाया नहीं जाता है, बच्चे आपे ही मुख से मम्मा बाबा निकलता क्योंकि अक्षर सुनते हैं। ये है बेहद का रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर। बाबा कहते हैं वो कोई पढ़ा नहीं है, उनमें ही ज्ञान है। तुम आत्मा समझती हो बाप द्वारा,
बेहद के बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा कहते उनको कहा ही जाता है जाने जानन हार। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया ये स्लोगन भी जरूर लगाओ। मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए। बाबा कहते बच्चे ये रिपीटेशन अक्षर भी बहुत ज़रूरी है। करेक्शन होती है ना। गीता का भगवान कौन, बाबा कहते ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में ये है सबसे नंबर वन भूल। परमात्मा पिता को नहीं जानने के कारण छोटे बच्चे कृष्ण को गीता का भगवान कहा, यह है नंबर वन भूल। बाबा कहते हैं भगवान को जानते नहीं तो कहते थे हम भगवान हैं। बाबा कहता है गाया जाता है ना ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात। याद में बल है, ज्ञान है सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती जिससे विक्रम विनाश होते। तुम बुद्धि का योग बाबा से लगाओ। ज्ञान बाबा अभी देते हैं फिर कब मिलता नहीं। सिवाय बाबा के कोई दे ना सके। बाबा कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज एक ही। स्पिरिचुअल आत्माओं के बाबा के पास है। वह आकर ब्राह्मणों को देते हैं, शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं है। बाबा कहते बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं। गाते हैं ना नैया मेरी पार लगाओ। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें मेहनत बहुत है। दुनिया में आर्टिफिशियल योग कितने योग आश्रम हैं, रूहानी योग आश्रम कोई हो ना सके। बाबा ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखाते। बाबा कहते हैं ये तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ है नहीं। आत्मा शरीर में आकर पार्ट बजाती है, स्थित हो जाएंगे अपने सत्य स्वरूप में। मैं इस देह में बैठी, मस्तक में विराजमान, चैतन्यमणि आत्मा हूँ। संकल्पों के साथ साथ उस स्वरूप में भी स्वयं को स्थित करेंगे, अनुभव करेंगे मैं देह से न्यारी आत्मा, मस्तक में चमकता हुआ दिव्य सितारा, ज्योतिर्बिंदु, परमात्मा पिता का बच्चा, भगवान का स्टूडेंट, भगवान की मिलिट्री, मैं भगवान का भाग्यशाली बच्चा। डायरेक्ट बेहद के बाबा से, शिव निराकार से, ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा।
ज्ञान सुन, ब्राह्मण बनने वाला बाबा से विश्व बादशाही का वर्षा लेने वाली मैं आत्मा अतिंद्रिय सुख की अनुभूति में रहने वाली खुश नसीब आत्मा बेहद बाबा से सोर्स ऑफ इनकम ज्ञान की धारणा करने वाली बाबा से योगयुक्त हो विक्रम विनाश कर शक्ति लेने वाली मैं बाबा की आत्मा शुद्ध आत्मा अभी बाबा का स्टूडेंटपन अटेंशन से बाबा के ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करेंगे। बाबा कहता है पहली बात बाबा समझाते कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाबा का परिचय दो। बाबा का परिचय कैसे दें इसके लिए युक्ति रची जाती है। बाबा कहते वो जब निश्चय हो ना तब समझे बाबा तो सत्य है। सत्य बेहद का बाबा तो सत्य ही बताते हैं, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। बाबा कहते याद में रहना यही मेहनत है, इसमें माया ऑपोजिशन करती घड़ी घड़ी बाबा की याद भुला देती है। तो ये चार्ट रखो कितना समय बाबा को याद किया। बाबा कहते हैं सारा दिन याद में रहना बड़ा मुश्किल है ना। आत्मा पुकारती है बाबा हमको बंधन से छुड़ाओ। बाबा कहते बच्चे बहुत याद में रहो, बाबा को चार्ट भेजो, डायरेक्शन मिलता है। रात को रोज़ रात को अपना पोता मेल रखो, डायरी रखो। डायरी रखेंगे तो डर रहेगा घाटा नहीं पड़े। इतना मोस्ट बिलीविड बाबा इतना समय ही याद करते हो। बाबा कहते लौकिक संबंधी को कितना समय याद करते। फिर चार्ट लिखो तो आपे ही लज्जा आएगी। इस हालत में पद नहीं पा सकेंगे, इसलिए बाबा कहता अपने चार्ट पर अटेंशन रखो। बाबा को 84 के चक्र को याद करना है, फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे ना तब तो राज्य करेंगे। बाबा कहते बच्चे ये है राजयोग, नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट ये है। अपने आप को स्थित करेंगे मैं बाबा का स्टूडेंट राजयोगी आत्मा तपस्वी आत्मा। रोज अपना पोता मेल रख अटेंशन द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर लक्ष्य के लक्षण को जीवन में लाने वाली मैं बाबा की राजयोगी आत्मा तपस्वी आत्मा। बाबा कह रहा है लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी ना, इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत करी है ना तब स्कॉलरशिप पाई है, तो ज़रूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी। ऊँचे ते ऊँच पद पाया है
तो ज़रूर बहुत योग लगाया है, तब तो पास विद ऑनर हुए। ये भी कारण चेक करना चाहिए, हमारा योग बाबा से क्यों नहीं लगता है। धंधे में झंझटों में बुद्धि चली जाती, उनसे टाइम निकाल के ईश्वरीय याद में जास्ती ध्यान देना है। कुछ टाइम निकाल के बगीचे में एकांत में बैठना है। अभी बाबा कहते हैं बहनें बच्चियाँ तो जा ना सके ना, फिर बाबा कहते बच्चे पुरुषों के लिए सहज है, बगीचे में जाकर एकांत में रह बाबा को याद करना। बाबा कहते कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनकी बुद्धि में टच होगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की जो बुद्धि है बाबा कहते वो अपनी अपनी है। कैसे भी करो लेकिन बाबा से वर्षा लेना है। बाबा डायरेक्शन सब देता है लेकिन करना तो बच्चों को है ना। बाबा डायरेक्शन इन जनरल देते हैं ना मुरली द्वारा, लेकिन एक एक पर्सनल भी बाबा से आकर पूछते तो बाबा राय दे सकते। बाबा कहते जो तीर्थ पर बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं पंडित लोग सावधान करते रहते हैं, बड़ी मुश्किल से जाते, तो तुम बच्चों को तुम आत्माओं को तो बाबा बहुत सहज युक्ति बताते। बच्चे बाप को याद करना है, देह का भान खत्म करना है। बाबा कहते मुझे याद करो, बाबा आकर नॉलेज दे जाते हैं। आत्मा के जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं दुनिया में कितना टाइम वेस्ट करते ये भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहता साइंस का जो हुनर है ये विनाश में मदद करता, वो साइंस है और तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करना, ये है डेड साइलेंस। स्थिति में स्थित होंगे मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर, बाबा की याद में स्थित एकदम डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस के अनुभव में स्थित, देह से एकदम न्यारे आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित हूँ। देह भान से मुक्त हूँ, हुई ज्योति बिंदु आत्मा, शिव बाबा का बच्चा, बाबा की साइलेंस की याद की शक्ति को धारण करने वाली मैं आत्मा, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हूँ। साइलेंस की शक्ति से भरपूर हूँ। ज्ञान नेत्र जागृत कर सिविल आइस बनने वाली मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, बाबा की याद से एकदम शीतल, कर्मेंद्रियां
चित बन, आत्मा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहने वाली बाबा से योग युक्त साइलेंस की शक्ति से भरपूर कर्मेंद्रियों को शांत सत्वगुणी करने वाली सिविल आइस बनने वाली कर्मेंद्रियों की चंचलता को योग शक्ति से शीतल करने वाली देही अभिमानी स्थिति में स्थित मैं आत्मा बाबा कहते बच्चे तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, तुम जितना बाबा को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। बाबा कहते जितनी जो मेहनत करते हैं उतना ऊंचा पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। बाबा कहते अंत तक युद्ध चलता है, जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो दुनिया में लड़ाई शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज़ होता है तो डर जाते हैं। बाबा कहता है बच्चे यह गीता ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाबा का परिचय देना है। सब आत्माएं हैं भाई भाई, सबका एक बाप है। एक बाबा को याद करना है, गॉड फादर कहते हैं ना, उनको याद करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाबा कहते मोक्ष तो है ही नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी वर्ल्ड की रिपीट होती है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था एक भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब कलयुग पूरा हो सतयुग की स्थापना हो रही है। वो समझते कलयुग तो अर्जुन बच्चा है, इतने हजार वर्ष आयु तुम बच्चों ने पाप द्वारा जानना है, यह कल्प है ही 5000 वर्ष का। बाबा कहते हैं भारत में स्थापना हो रही है, भारत ही स्वर्ग बन रहा है, श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, पहला पहला शब्द ही यह दो। जब तक बाबा का निश्चय नहीं तो प्रश्न पूछते रहेंगे, फिर समझेंगे कि कुछ इनको पता नहीं। कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते तो इसीलिए बाबा कहते पहले पहले एक बात पर ठहर जाओ, बाप का निश्चय कराओ। बरोबर सब आत्माओं का बाबा एक है, वो है रचयिता, तो जरूर संगम पर आएंगे। बाबा कहते बच्चे
मैं युगे युगे नहीं कल्प के संगम पर आता हूँ, नई सृष्टि का रचयिता हूँ, तो बीच में कैसे आऊँ। बाबा कहते, बेहद का बाबा कहते, मैं आता ही हूँ रूहाने सेवा करने, पुरानी दुनिया को नया बनाने, इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम बच्चे पुरुषोत्तम यहाँ बनते हो। बाबा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, सबको बोलो ये स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते। तो ये बातें याद रखनी है। बाबा कहते हैं, यहाँ तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है, औरों की राजाई पहले से नहीं होती। और तो धर्म स्थापक जब आए तो पीछे उनके धर्म की वृद्धि हो, करोड़ों बनते, तब राजाई चलती। तुम बच्चों की सत्युग से ही राजाई होगी। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि सत्युग में इतनी राजाई कहाँ से आई। सत्युग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ, कितने हीरे ज्वार के महल हैं। भारत ही ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते। बाबा कहता, बच्चे 5,000 वर्ष की बात है ना, मनुष्य कितने मूंझे हैं, अब उनको कौन समझाए। ये है ही आसुरी राज्य। बाबा कहते, देवताओं की महिमा सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी कहते ना, क्योंकि इनमें 5 विकार नहीं हैं, देही अभिमानी हैं। तो बाबा कहते, मुख्य बात है बाप को याद करो। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, अब तुमको आत्माओं को पतितों से पावन बनना है। ये है ड्रामा का चक्र। अच्छा, बाबा के सम्मुख अपने को स्थित करेंगे और बाबा का याद प्यार स्वयं में धारण करेंगे। बाबा बहुत शक्तिशाली, बहुत गहरी रूहानी प्रेम भरी शक्ति भरी दृष्टि देते हुए, अपने सिकलधे बच्चों को याद प्यार देते हुए नमस्ते करते। हम बच्चे मीठे बाबा को बहुत स्नेह से भरा, बहुत रिगार्ड से भरा गुड मॉर्निंग नमस्ते विश करते। अभी बाबा की वाणी के और वरदान के अभ्यास को करते करते अपने शक्तियों को इमर्ज कर बाबा से कनेक्टेड रहते हुए, अनुभव करते हुए स्वयं में समाएंगे। बाबा कहते, बच्चे निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर के द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। अपने को लाइट हाउस माइट हाउस डबल लाइट स्टेज में स्थित करेंगे।
विजुलाइज करेंगे, मस्तक के मध्य में एकाग्र हो अपने सत्य स्वरूप की स्टेज पे स्थित हो जाएंगे। संकल्प करेंगे मैं आत्मा, निर्णय शक्ति से भरपूर, कंट्रोलिंग पावर से संपन्न, सदा सफलता मूर्त हूँ। अटेंशन करेंगे अपने स्वरूप में शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो, आत्माभिमानी होकर संकल्प करेंगे मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। संबंध संपर्क में आते ज्ञान के तीसरे नेत्र को यूज करने वाली मैं आत्मा, कंट्रोलिंग पावर वाली, निर्णय शक्ति वाली, सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाबा की याद में स्थित रहे, क्लीन बुद्धि वाली, सर्व आत्माओं को उनकी आवश्यकता अनुसार बाबा द्वारा उनको प्राप्तियां कराने के निमित्त बनने वाली, सर्व को तृप्त करने वाली श्रेष्ठ सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सदैव अचल स्थिति में स्थित रहने वाली, कंट्रोलिंग रूलिंग पावर वाली, सर्व आत्माओं को रूहानी आकर्षण के द्वारा बाबा से जोड़ने के निमित्त बनने वाली, सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त आत्मा हूँ। शक्तियों से संपन्न हूँ, मास्टर सर्व शक्तिमान आत्मा हूँ। सदैव सर्व शक्तिमान बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति में रहे, हर परिस्थिति पर जीत पाने वाले, सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। बाबा के आज के वरदान को बार बार स्मृति में लाकर स्वयं को शक्तिशाली स्थिति में स्थित कर अनुभव करेंगे, मैं ईश्वरीय विधि के विधान द्वारा यथार्थ सिद्धियों को प्राप्त करने वाली सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति। Thank you.